वेलकम टू अभिपीडिया गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन अ करंट अफेयर सीरीज। देखो इस सीरीज का हमने नाम रखा है मिशन 2020। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो इस सीरीज को और भी बहुत सारी हमारी अभिपीडिया की सीरीज चल रही है उसको फॉलो करो, उसको देखो और उसके नोट्स बनाओ, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम परस्पेक्टिव एज वेल एज मेन्स परस्पेक्टिव। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा स्टैगफ्लेशन, ये कौन सी चिड़िया का नाम है, ये रिसेंटली वर्ड अभी न्यूज के अंदर था कि बोलते दैट इज इंडिया फेसिंग स्टैगफ्लेशन। नाउ बिफोर दैट पर्टिकुलर वर्ड विच यू कैन कॉल एज स्टैगफ्लेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन क्या है, राइट। सो फर्स्ट इज व्हाट इज इन्फ्लेशन, ये भी आपने न्यूज के अंदर बहुत सुना होगा कि इन्फ्लेशन वर्ड आया है, ठीक है। अब इसका देखो, इसके अंदर यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी बेसिकली आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि अगर आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया डिक्रीज किया उसके इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर या कंट्री के ऊपर, कंट्री की मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, लोन के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, वो सारा हम देखें। देखो मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल आपको देता हूं, लेट अस सपोज आरबीआई ने रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया, ठीक है। रेपो रेट को मतलब आरबीआई जो पैसा लेंड करता है बैंक को, अब उसका इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया, इट मींस बैंक विल हैव अ मोर मनी एट दिस टाइम, ज्यादा पैसा आ जाएगा। ऑल दो जरूरी नहीं है कि आरबीआई जैसे कम करेगा और बैंक के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, इसके अंदर भी काफी चीजें हैं लेकिन वो अलग सी हम टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ द थिंग इज कि बैंक के पास ज्यादा पैसा है, अब बैंक क्या करेगी, बैंक विल प्रोवाइड मोर लोन, राइट, मोर लोन, इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ लोन विल डिक्रीज। जैसे कॉस्ट ऑफ लोन डिक्रीज होगी तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज वो लोन लेंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास भी, अगर आपको बोलूं कि आपने गाड़ी लेनी है और आपको बोला जाता है कि जी 5% इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल रहा है, तो आप बोलोगे क्यों नहीं लेंगे, ठीक है। अब 5% इंटरेस्ट इतना कम इंटरेस्ट है तो आप इजिली ले लोगे। यही होता है कि इंडस्ट्रीज या बहुत सारे सेक्टर ना, जैसे इनके पास मनी आएगी इट मींस प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, चांसेस हैं ना, चांसेस इसके बाद क्या है, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, ठीक है, ओके। यहां पे लिख देता हूं, दिख नहीं रहा, ठीक है। नाउ इससे क्या होगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट चांसेस है। सिमिलरली लोन इजी मिल रहा है तो यहां पे बैंक के पास भी, लोगों के पास भी, नाउ पीपल विल ऑल्सो हैव अ मोर मनी। जैसे लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा इट मींस यहां पे अब डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड विल इंक्रीज, राइट। नाउ द थिंग इज कि बेसिकली मैं समझाना क्या चाहता हूं, देखो इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन इज अ रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज राइजिंग। मान लो एक लास्ट ईयर के अंदर कोई चीज 100 रुपए की थी, अभी वो 105 की होगी, जो 5 इंक्रीज हुआ एज कंपेयर टू दिस 5% इज इन्फ्लेशन, तो जनरल प्राइस इंक्रीज होता है। नो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई नॉर्मली जनरल थिंकिंग इज कि जब आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, अब देखो जैसे डिमांड इंक्रीज हुई, अब जैसे डिमांड इंक्रीज होगी चीजों का प्राइस इंक्रीज होगा, नाउ दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। नाउ दिस इज द कंसेप्ट, हमें क्या समझना है कि भाई जैसे आपकी देखो प्रोडक्शन इंक्रीज हुई, एम्प्लॉयमेंट, दो चीजों के ऊपर ध्यान दो, वन इज प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट और तीसरी इन्फ्लेशन। इनके अंदर कंसेप्ट क्या है कि भाई जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है आपकी एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है इट मींस जीडीपी आपकी चांसेस हैं दैट इट विल आल्सो लीड टू इंक्रीज इन जीडीपी। नाउ अभी तक जो मैंने आपको समझाया इससे एक बात तो हमें मोटी मोटी समझ आ गई दैट कि जनरल कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, दूसरा जीडीपी ग्रोथ, तीसरा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट और डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये कहीं ना कहीं आपस में लिंक करते हैं, है ना, ये कहीं ना कहीं इसको इधर ही लिखते हैं यार,
ओके, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, एक कंसेप्ट है राइट। नाउ द थिंग इज कि जैसे मैं बोल रहा हूं इसी के ऊपर एक कर्व थी, कर्व का नाम है फिलिप्स कर्व, ऐसा भी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। फिलिप्स कर्व अभी आपको स्लाइड के ऊपर दिखेगी, ठीक है, वो सीधा रिलेशन बताता है ये वाला, वो बोलता है दिस इज अ अनएम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज अ इन्फ्लेशन। मतलब जैसे आपकी कंट्री की कोई की इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी उसी टाइम के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, ये वाला रिलेशन, दैट इंक्रीज इन इन्फ्लेशन डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज कॉल्ड एज फिलिप कर्व। नाउ द थिंग इज ये बहुत सारे टाइम से एक कंसेप्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसके अंदर, बट 1970 के अंदर कुछ ऐसा हुआ, अराउंड 1970s, पहले ये सारा फिलिप्स कर्व को मानते थे सारे, ठीक है। नाउ द 1970s के अंदर क्या हुआ, 1970s के अंदर ऑयल प्राइस इंक्रीज करता है राइट, इन मोस्टली इन वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली यूएस के अंदर, ठीक है, ओपेक कंट्री ने सडनली ऑयल प्राइस को इंक्रीज कर दिया राइट। नाउ प्रॉब्लम क्या हुई इससे, नाउ दिस विल लीड टू इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, इट मींस प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटीज विल ऑल्सो इंक्रीज। नाउ दिस इंक्रीज इन प्राइस और रेट ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, मतलब आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी। अभी हमने कंसेप्ट क्या किया था, फिलिप क्या बोलता है, फिलिप बोलता है जब भी आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी उसके साथ ही आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगी, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये आ गई, बोलता है इन्फ्लेशन तो इंक्रीज होगी बट विदाउट एनी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, ना तो आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई एंड जीडीपी ग्रोथ ये भी ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रही, स्टैग्नेंट रही। अब देखो फिलिप्स कर्व यहां पे गलत होगी, तो उन्होंने बोला कि भाई इस चीज को हम क्या बोलेंगे, नाउ दिस थिंग इज कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन बेसिकली, स्टैगफ्लेशन आपका वर्ड जो है ये किसके किससे बना है, ओके, स्टैगफ्लेशन इज, स्टैग का मतलब है स्टैग्नेंट, मतलब आपकी जीडीपी स्टैग्नेंट रह रही है यहां पे, बट स्टिल वहां पे इंक्रीज इन इन्फ्लेशन हो रही है, जो हमने 1970s के अंदर यूएस और बाकी कुछ वेस्टर्न कंट्री के अंदर देखा कि भाई आपकी एम्प्लॉयमेंट तो नहीं इंक्रीज हो रही, ठीक है, ना ही आपकी जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हो रही, मतलब जीडीपी इज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट बट स्टिल इन्फ्लेशन हो रही है, जो हमने पहले पढ़ा था इन फिलिप्स कर्व और जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने कंसेप्ट बताया था उसके अंदर तो क्लियर था कि भाई इन्फ्लेशन आपकी इंक्रीज होगी उसके साथ आपकी जीडीपी ग्रोथ के इंक्रीज होने के चांसेस है, जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंसेप्ट था। अब नया कंसेप्ट आ गया, वो बोलते हैं ये क्या हो गया है ना भाई, ऐसा क्यों हो गया, तो ऐसा इसलिए उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो ये वर्ड आपने न्यूज के अंदर सुना होगा। अब वो बोलते हैं कि क्या इंडिया, वेदर इंडिया इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ स्टैगफ्लेशन फेस, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। नाउ द थिंग इज केस ऑफ इंडिया, कि क्या इंडिया के केस के अंदर भी अभी जो आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी है ना, उसके बाद बहुत मंदी है, सब लोग गवर्नमेंट का अपोज कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, तो उसके बेस के ऊपर देखते हैं हम कि क्या इंडिया के अंदर भी वैसा केस है। देखो अभी जो रिसेंटली आज न्यूज़पेपर के अंदर आया उसने ये बोला कि इन सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर फॉर विच द लेटेस्ट डेटा इज अवेलेबल द जीडीपी ग्रो बाय जस्ट 4.5%। बोलता है जीडीपी हमारी ग्रोथ कितनी है, जस्ट 4.5%। दूसरा इन्फ्लेशन, नाउ द इन्फ्लेशन इज, इन्फ्लेशन इज अराउंड 5.5%, तो इन्फ्लेशन आपकी 5.5% है। द थिंग इज कि वो बोलता है भाई जीडीपी हमारी ऑलमोस्ट स्टैग्नेट हो गई है, इन्फ्लेशन इंक्रीज करती जा रही है, एम्प्लॉयमेंट का आपको पता ही है बहुत बुरा हाल है, हर घर में बंदा फ्री बैठा हुआ है,
तो इंप्लॉयमेंट भी इतना ही इंक्रीज नहीं हो रही. नाउ दिस इज द केस फॉर स्टैगफ्लेशन. कहता है भाई क्या ये इंडिया के अंदर स्टैगफ्लेशन है या नहीं, अब बताओ. ये आपको मेंस के अंदर ही पूछा जा सकता है, दे कैन ऑल्सो आस्क यू इन द प्रीलिम एज वेल, राइट. नाउ द थिंग इज कि क्या इंडिया के अंदर भी अब स्टैगफ्लेशन है, ठीक है. तो इसके ऊपर आज ही न्यूज़पेपर के अंदर आया था, ठीक है. नाउ द थिंग इज कि पहले देखते हैं कि ऐसी हालत इंडिया की हुई कैसे, राइट. ओके, देखो अब 2-3 साल पहले चले जाओ, वहां पे एक कुछ हुआ था जिसको हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन ना, डीमोनेटाइजेशन के अंदर आपका अराउंड 85% बैंक के पास चला गया, ठीक है. इट मीन्स के लोगों के पास लेस मनी विद पीपल, ठीक है, कम पैसा आ गया. डिक्रीज डिमांड, डिमांड डिक्रीज हुई तो अब कंपनीज और बहुत सारी इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, अपने एम्प्लॉय को बोलेंगे कि भाई घर जाओ, यहां पे आपकी जरूरत नहीं है, राइट. नाउ दिस लीड टू इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट और डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट. तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी इंक्रीज होगी. सेकंड, उसके बाद एक और रिफॉर्म हुआ. सो डीमोनेटाइजेशन का नेट क्या निकला, नाउ दिस लीड टू इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है. दूसरा, उसके बाद जीएसटी आया, ठीक है. देखो पहले आप मार्केट के अंदर जाते थे, वो बोलता था कि भी देखो अगर आपने पूरी वो स्लिप लेनी है, ठीक है, इनवॉइस वगैरह पूरा प्रॉपर लेना है, देन टैक्स लगेगा आपको, ठीक है. अब टैक्स लगेगा, आप बोलते भी टैक्स तो हमने देना नहीं, हमें कम कॉस्ट के ऊपर चाहिए. तो मोस्टली इनफॉर्मल मार्केट के अंदर बहुत सारा ऐसा ट्रेड होता था जो जनरल प्राइस, मान लो एक चीज का 100 रुपीज है, अब इसके ऊपर 15% मैं टैक्स लगा रहा हूं तो 115 की पड़ेगी, ठीक है, 115 की पड़ेगी. प्रॉब्लम ये होगी, अब बोलते कि भाई पहले क्या होता था, वो 15% टैक्स को हम अवेड कर देते ओनली 100 रुपीज, तो जनरल प्राइस 100 था. अब जीएसटी आ गया, जीएसटी ने क्या किया, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट, टू इवेड फ्रॉम टैक्स. तो टैक्स इवेजन कम हो गया. अब जैसे टैक्स इवेजन कम हो गया तो इसका नेट प्राइस 115 या 114 13 जितना भी है, मैं यहां पे एग्जांपल दे रहा हूं, सीरियस दिल पे मत लेना, ठीक है. अब 115 हो गया, अब टैक्स इवेजन कम हुआ, इट मींस के जनरल प्राइस उस कमोडिटी का हाई हो गया. नाउ विद द जीएसटी द इफेक्टिव प्राइस ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज. ऐसा नहीं सभी का, कुछ कमोडिटीज का जो हम यूज करते हैं, ठीक है. इट मींस यहां पे आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी. तो यहां पे जैसे आपकी कमोडिटीज और प्राइस इंक्रीज हुआ, ये क्या है, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन. कहीं ना कहीं इसने इंपैक्ट किया जीएसटी ने कि इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी. नाउ सेकंड थिंग, अभी जो वी कैन से दैट कमोडिटीज लाइक फूड वगैरह, ठीक है, जितना भी हम फूड वगैरह यूज करते हैं, यहां पे अनसीजनल रेन हुई, ड्यू टू अनसीजनल रेन इनका भी प्राइस इंक्रीज कर गया, ठीक है. अब देखो परफेक्ट केस क्या है, हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी बड़ी नहीं, दैट वाज ऑलमोस्ट स्टैग्नेट, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ रही है. फिलिप्स क्या बोलता था कि जब आपकी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, यहां पे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी उसी टाइम के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेगी, बट यहां पे उल्टा केस है, जो परफेक्ट केस है वो स्टैगफ्लेशन. तो इसलिए बोलते हैं कि भाई अभी इंडिया की जीडीपी इतनी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, तो क्या इंडिया परफेक्ट केस है फॉर स्टैगफ्लेशन. तो इसी के ऊपर हम देखते हैं दैट इज इंडिया फेसिंग स्टैगफ्लेशन, राइट. तो इसके अंदर देखो द थिंग इज के ऑल्दो इंडिया की जीडीपी इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बट इतनी भी नहीं है, राइट, दैट इफ इंडिया इज ग्रोइंग एट 5% जीडीपी इट इज ओके, नो प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि भाई हमने रोने लग रहे, रोना नहीं है किसी ने, ठीक है. नाउ द फर्स्ट थिंग इज कि जीडीपी हमारी इतनी अगर डिक्रीज हो रही है, या बोलूं मैं कांस्टेंट रह रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना चलता है. कुछ फेसेस होते हैं हर कंट्री के अंदर जब आपकी जीडीपी ऑलमोस्ट एक पॉइंट के ऊपर रुकती है, देन वो चलती है दोबारा, ठीक है. नाउ सेकंड, कि जो हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, नो इन्फ्लेशन का मेजर रीजन राइट नाउ इज अनसीजनल रेन, अनसीजनल रेन, ठीक है. तो ये इट कैन बी वी कैन से टेम्परेरी, नॉट इज अ टेम्परेरी, ऐसा नहीं है कि भाई परमानेंट हो गया, ठीक है. तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. नो लास्ट थिंग इज के जो
अभी हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है, ये अभी रिसेंटली कुछ टाइम के अंदर इंक्रीज हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम आरबीआई का जो टारगेट रहता है अराउंड 4%, उसको आरबीआई ने अचीव किया है। तो कुछ टेम्परेरी है, ऐसा नहीं, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से दैट इंडिया इज गोइंग थ्रू अ स्टैगफ्लेशन राइट नाउ। नो, वी हैव टू वेट एंड वॉच अप्रोच, राइट? वेट एंड वॉच अप्रोच रखनी पड़ेगी, उसके बाद फ्यूचर के अंदर देखें अगर यही कॉस्ट आएगी, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग, क्या इस स्टैगफ्लेशन को कंट्रोल करना बाय अ पर्टिकुलर कंट्री इज इट इजी और नॉट? प्रॉब्लम यही है। मान लो यहां पे हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रही है, स्टैग्नेट होगी, स्टैग्नेट बोलते हैं, स्टैग्नेट रहेगी जीडीपी, ठीक है, मतलब ग्रोथ हमारी इतनी हो नहीं रही, ग्रोथ ऑफ जीडीपी इतनी हो नहीं रही। अब आरबीआई क्या करता है, जब ग्रोथ इंक्रीज करनी हो आरबीआई रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा ताकि मार्केट के अंदर पैसा जाए और इंडस्ट्रीज उस पैसा को यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट करे, ग्रोथ करे, ठीक है। प्रॉब्लम स्टैगफ्लेशन के अंदर यह है दैट जब आरबीआई पैसा रिलीज करेगी उस टाइम के ऊपर बूस्ट करेगी, तो उसके साथ हमने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ा कि इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होती है ना। यहां पे ग्रोथ जीडीपी ऑलमोस्ट स्टैग्नेट है, यहां पे अगर आरबीआई और रेपो रेट डिक्रीज करेगी या कोई भी एक्शन ऐसा लेती है जिसके अंदर मार्केट के अंदर पैसा जाए, उस केस के अंदर हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जाएगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगी। बट प्रॉब्लम यह है कि इन केस ऑफ स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी हाई, इन्फ्लेशन तो पहले ही हाई है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल अ सिचुएशन विच इज अंडरगोइंग अ स्टैगफ्लेशन। सो This is all about the concept of stagflation and inflation and how they linked with one another. यहाँ पे UPSC आपसे क्वेश्चन पूछेगी, अगर stagflation है तो उसके अंदर क्या क्या characteristics आते हैं, वो मैंने आपसे डिस्कस किए। Inflation के context के अंदर या repo rate के context के अंदर कुछ भी UPSC पूछ सकती है। So this is all about for today. I hope कि आपको ये लेक्चर पसंद आया। हमारी YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बहुत दूर दूर तक लोगों से शेयर करें, पसंद करें इसको, कमेंट करें, जो मर्जी करें, ठीक है, बट पढ़ें, ठीक है, और आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देते। उसी पे चार चांद लगाने के लिए अभी पीडिया ने ये चैनल खोला है, ठीक है। तो बाकी सीरीज भी बहुत सारी हैं, उसको देखें, ठीक है, उसको भी शेयर करें और नोट्स जरूर बनाएं एंड रिवीजन इज मस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।